बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाता नजर आ रहा है। एनडीए 290 से ज्यादा सीटों पर आगे है, जबकि 2014 और 2019 के चुनाव नतीजों के विपरीत इस बार बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ों से पीछे है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। इंडिया गठबंधन के पास 230 से ज्यादा सीटें हैं। इस वीडियो में हम एन फैक्टर की बात करने जा रहे हैं। इस चुनाव की शुरुआत से ही एक एन फैक्टर जुड़ा था। आजादी के बाद से अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दे तो कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं रहा। पीएम मोदी के पास इन चुनावों में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो इन नतीजों ने भी एन फैक्टर दिया है। नमो, नीतीश और नायडू। नमो यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में उतरे एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश मिलता नजर आ रहा है। रुझानों में एनडीए को 290 से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही, लेकिन बीजेपी लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका चूकती नजर आ रही है। अब एक एन यानी नेहरू की बराबरी कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी को दो और एन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के रुख पर निर्भर रहना पड़ेगा। नीतीश और नायडू के रुख से ही सरकार तय होनी है। नीतीश की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पहले से ही एनडीए का हिस्सा है। अब देखना होगा कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का क्या रुख रहता है। खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन इन दोनों नेताओं से संपर्क में है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नीतीश की अगुवाई वाले जनता दल यूनाइटेड को 14 और नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को 16 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ये दोनों दल भी एनडीए में हैं। एनडीए को मिल रही 295 में से इन दोनों की पार्टियों को मिल रही 30 सीटें छोड़ दें तो सत्ताधारी गठबंधन 265 सीट पर आ जाता है, जो बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़ों से 7 कम है। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी नीतीश कुमार और नायडू के रुख पर ही निर्भर करेगी। एनडीए के साथ ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक एक्टिव मोड में आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बात की है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम हाउस पहुंचे। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात नहीं हो पाई। नीतीश ने एक दिन पहले ही दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी। कयासों के बीच आरजेडी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बदले की राजनीति के पक्ष में नहीं है और वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर अगर बीजेपी सरकार चलाती है तो उसके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। बीजेपी को अपने इन पार्टनर्स पर काफी निर्भर रहना पड़ेगा। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग के आखिरी नतीजों पर है, ताकि तस्वीर साफ हो सके। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।